शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बहाल रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है। किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, किसानों के लिए कमेटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त टिप्पणी की गई है कि किसानों के लिए कमेटी का गठन किया जाए, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं। लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त टिप्पणी आई है कि किसानों के लिए कमेटी का गठन किया जाए, उसके बाद जो फैसला लिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। शंभू बॉर्डर पर जैसी स्थिति है यथास्थिति बनी रहेगी। किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। किसानों की जो लंबे समय से मांग है उसे लेकर कमेटी बनाया जाए। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सख्त टिप्पणी की गई कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज, इसके क्या मतलब समझे और क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हाईवे को जिस ढंग से बंद किया गया है सरकार के द्वारा, सरकार इसे खोले, सरकार का काम हाईवे बंद करना नहीं है। उस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ये बात कह रहे थे कि जो किसान हैं वहाँ पर हैं, बॉर्डर पे हैं, उन्होंने अपने साथ जो ट्रैक्टर रखा हुआ है, जो उनकी गाड़ियाँ हैं, उन्होंने उसे आर्मर्ड व्हीकल की तरफ से इस्तेमाल कर बना रखा है। उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स को इस तरह से मॉडिफाई कर रखा है जैसे कि वो टैंक हो, इसलिए उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दिल्ली की तरफ आएँ। कोर्ट ने फिर पूछा, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आखिर दिल्ली में किसान दिल्ली जाना क्यों चाहते हैं, इस समस्या पर का समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इस पर उनसे बात क्यों नहीं किया जा रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सरकार, अब आप सरकार की तरफ से वहाँ मंत्री भेजे जाते हैं, मंत्री जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन उनकी बात का असर किसानों पर नहीं हो पाता क्योंकि सरकार पर उनका भरोसा कम हो गया है, उन पर भरोसा नहीं रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे तटस्थ लोगों की कमेटी बनाई जानी चाहिए जो किसानों की बातों को समझे, उनकी मांगों को समझे, उनको समझा सके उनकी कौन सी मांग जायज़ है, कौन सी मांग गैर जरूरी है। और इस तरह से कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकारों को, यानी कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को कुछ तटस्थ लोगों के नाम सुझाने चाहिए ताकि वो कमेटी का गठन हो और कमेटी उनसे बात करे। तो ये जो संदेश है, दरअसल किसान बार बार ये बातें कहते हैं कि किसान सरकार उनकी बातें सुन लेती है या सरकार उनके मांग पर विचार नहीं कर रही है। और इसकी शुरुआत सबको पता है कि जो 3 कृषि कानून आए थे और कृषि कानून वापस तो चले गए, साल भर से अधिक जद्दोजहद के बाद कृषि कानून वापस तो चले गए थे, लेकिन उसके साथ ये जो MSP गारंटी कानून की मांग उठी वो अब तक उस पर कोई बात बहुत आगे बढ़ी नहीं है। यहाँ पर भी संयुक्त किसान मोर्चा का एक धड़ा उसी मांग के साथ आंदोलनरत है और करीब 6 महीना से अधिक हो गया ये शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने रोड को ब्लॉक कर दिया है ताकि किसान दिल्ली नहीं आ सके। किसान वहाँ बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि जैसे वो बॉर्डर खुलेगा वो दिल्ली आएंगे, अपनी बात कहेंगे और यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार यही बातें कही जा रही है कि माय लॉर्ड, अभी हम उन्हें इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि अगर वहाँ जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि उनके साथ जो ट्रैक्टर्स हैं, जो उनकी सवारी है, वो JCB लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में उनको हरियाणा आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये जो एक तरह से कहें कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो एक चिंता है कि किसान इतने लंबे समय से अगर बॉर्डर पे बैठे हैं तो उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए और उन लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए जिन पर किसान भरोसा कर सकें, क्योंकि मंत्रियों के द्वारा जो बातचीत हो रही है उस पर किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब देख रहे हैं बहुत लंबा वक्त बीत गया है, लंबे वक्त से ये मांग चल रही है बॉर्डर पर, आप देख रहे हैं किसान डटे हुए हैं, अब कमेटी का गठन करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। प्रभाकर, क्या लगता है कि ये कितना कारगर होगा और किस तरह से ये आगे काम करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसमें सुप्रीम कोर्ट की चिंता दुश्चिंता समझी जा सकती है, लेकिन किसानों का मसला केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का नहीं है। अब इस बात को ऐसे भी समझना होगा कि इस आंदोलन में जो किसान शामिल हैं वो देश के पूरे किसान नहीं हैं,
संयुक्त किसान मोर्चा का एक गठन हुआ था जब पिछला आंदोलन चल रहा था, उसमें से एक धड़ा अलग हो गया और उसने बनाया संयुक्त किसान मोर्चा और राजनैतिक। तो ये और राजनैतिक किसान संगठनों का प्रदर्शन है जिसमें देश के बाकी तमाम आंदोलन किसान संगठन शामिल नहीं है। ऐसे में जो मसला पूरे देश का है, पूरे देश के किसानों का है, जिसमें तमाम संगठनों का स्टेक है, उसमें कुछ केवल पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों से बात कर लिया जाए या वहां के लिए बात कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सहमति इतनी आसानी से बन पाएगी? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो चिंता है, इतनी आसानी से सहमति बन पाएगी या नहीं, आगे क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।